ठीक है ना। अब एग्जाम में क्वेश्चन जो हम लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि हिटलर कैसे पावर में आया था, यूनिट वन में देखा था कि जर्मनी की हालत कैसे खराब हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, फिर यूनिट टू में देखा हिटलर पावर में कैसे आया, ठीक है ना, उसकी क्या क्या क्वालिटीज थी, उसने कैसे क्या क्या प्रोमिसेस करे, कैसे वो क्या हुआ इलेक्शन में जीती नाजी पार्टी, फिर वो पावर में कैसे आ गया, अपने पावर के पिनाकल में कैसे पहुंचा, और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कैसे हार गया, उसने हिस्टोरिक ब्लंडर किया था रशिया और ब्रिटिश के साथ एक साथ लड़ाई करके। अब हम लोग देखते हैं कि जब हिटलर पावर में था तब इन लोगों ने, नाजी ने क्या आइडियोलॉजी बनाई थी। जो हमने जब यूनिट वन की भी पहले पहला चैप्टर किया था तो हमने कहा था नाजिज्म क्या थी, नाजिज्म एक आइडियोलॉजी थी, एक सिस्टम था जो एक तरह की पॉलिटिकल और सोशल सोसाइटी के बारे में आपकी सोच थी, थिंकिंग थी। तो इस नाजी वर्ल्ड व्यू या ये जो नाजी सोच थी ये क्या बोलती थी, ये हमको अभी क्या करना है इस यूनिट में समझना है। और जब उन लोगों ने ऐसा कुछ सोचा तो उन्होंने कैसे लोगों को मानना स्टार्ट किया बेस्ड ऑन देयर थिंकिंग, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज नाजी आइडियोलॉजी क्या थी, तो हमने कहा नाजी आइडियोलॉजी पूरी की पूरी एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की आइडियोलॉजी थी। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब स्किन के कलर पे आप किस तरीके से दिखते हो, आप किस रेस को बिलोंग करते हो, इस बेसिस पे आप जब लोगों में क्या करते हो भेदभाव करते हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अकॉर्डिंग टू नाजी आइडियोलॉजी पहली चीज लोगों में कोई इक्वालिटी थी नहीं, सिर्फ एक रेशियल हायरार्की थी। हायरार्की मतलब ऊपर से नीचे, सबसे बेस्ट ये, इससे कम अच्छा ये, इससे कम अच्छा ये, ओके ये, बुरा ये, बहुत बुरा ये, और सबसे बुरा ये। इस व्यू के हिसाब से ब्लॉन्ड मतलब गोरे लोग जिसके ब्राउन बाल होते हैं, ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यन जो थे वो सबसे टॉप पे थे, और सबसे खराब और सबसे नीचे कौन थे, ज्यूज थे, और बाकी जितने भी कलर्ड पीपल थे वो इन बिटवीन इन सब के बीच में आते थे डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटर्नल फीचर्स, ठीक है। तो ये जो सोचता था कि एक्सटर्नल फीचर्स के हिसाब से कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ लोग बुरे होते हैं, ये कहानी कहाँ से निकल कर आती है। तो हमने कहा कि फ्रॉम वेयर डिड नाजी बोरो इट्स आइडियोलॉजी, नाजी नाजी की ये सोच कैसे डेवलप हुई। तो हम लोग कहते हैं हिटलर का जो नाजिज्म वाला आइडियोलॉजी था ये इसने किससे बोरो किया था, चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर से, जिसमें चार्ल्स डार्विन क्या था एक नेचुरल साइंटिस्ट था जो इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात करता था कि बंदर से इंसान कैसे बना, कैसे नेचर ही अपने आप सिलेक्ट कर लेता है किन किस किन लोगों को सर्वाइव करना है और किन किन लोगों को मरना है, ठीक है ना। और दूसरा दूसरा हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर का कहना था कि देखो नेचर में जो स्पीशीज सबसे स्ट्रांग है वो क्या करेगी सर्वाइव करेगी, और जो स्पीशीज स्ट्रांग नहीं है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो इसने क्या करा, हिटलर ने इन दोनों की सोच को क्या कर लिया, अपना आइडियल बना लिया कि पहली बात तो मैं देखूंगा क्या कि कौन सी स्पीशीज अच्छी और कौन सी स्पीशीज नहीं अच्छी, जो अच्छी होगी वो सर्वाइव करेगी और जो अच्छी नहीं होगी वो सर्वाइव नहीं करेगी। तो सुना जब किसी को सर्वाइव करना ही नहीं है तो इतना टाइम उस पर वेस्ट क्यों करना, उसको पहले ही मार दो, ये किसकी आइडियोलॉजी थी, हिटलर की, और यही क्या था नाजी वर्ल्ड व्यू था। तो बेसिकली हर्बर्ट स्पेंसर और चार्ल्स डार्विन तो जानवरों पर रिसर्च करते थे, उन्होंने इंसानों के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन उनके जो ये आइडियाज थे ये हिटलर की तरह जितने भी रेसिस थिंकर्स और पॉलिटिशियंस थे वो क्या करते थे, यूज करते थे जब वो कोई दूसरा आसपास का देश कॉन्कर कर लेते थे, अपने देश के लोगों को क्या करने लगते थे, मारने लगते थे। तो नाजी का कहना था कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है उसको सर्वाइव करने दो, वीक वाले तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, 5 से 10 साल बाद खत्म हो, इससे बेहतर है इनको आज ही खत्म कर दें, ठीक है ना। और सबसे अच्छी रेस कौन सी थी, आर्यन, तो आर्यन के पास राइट था कि वो अपनी प्योरिटी मेंटेन करें, स्ट्रांग बने और पूरे दुनिया पे क्या करें, राज करें, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड कंसेप्ट क्या था हिटलर का आइडियोलॉजी का, तो वो था लेबेनस्ट्रॉम। लेबेनस्ट्रॉम यानी कि होता है लिविंग स्पेस, याद है कल हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे क्लास के बाद, कि हिटलर ने सोचा कि नई टेरिटरीज आपको ऑक्यूपाई करनी पड़ेगी, यानी कि आपको आसपास के देशों पे क्या करना रहेगा, राज करना रहेगा, सो दैट क्या हो वहां के लोगों से क्या करेंगे, उनके घर, उनकी काम की जगह, उनकी रिसोर्सेस छीन लेंगे, और वो सारे वो जो है वहां पर हम लोग किसको दे देंगे, वो सारे रिसोर्सेस जर्मन्स को दे देंगे। तो जर्मनी के पास जिन रिसोर्सेस की कमी है वो कहाँ से ले लेंगे, आसपास की टेरिटरी लेंगे, वहां से क्या करेंगे, वहां के लोगों को वहां से निकाल देंगे, या हो सकता है मार भी दें, और उनके सारे रिसोर्सेस हम लोग किसको दे दें, जर्मन्स को दे दें। इस कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते थे, लेबेंस्ट्रॉम। आई बात समझ में। अब
हिटलर ने इस तरीके का रेशियल स्ट्रेट कैसे बनाया कि उसको ऐसे बंदे चाहिए थे, कौन से? आर्यन। तो वो आर्यन बंदे बनाने वाला स्टेट बनाने के लिए उसने क्या करा? तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हाउ डिड हिटलर एस्टैब्लिश अ रेशियल स्टेट, ठीक है ना? तो हिटलर ने बोला कि जितने भी लोग हैं, जो जर्मन्स हैं, जो इम्प्योर है, इम्प्योर मतलब क्या, जो आर्यन नहीं है, जिनका कॉम्प्लेक्शन वैसा नहीं है जैसा उसको चाहिए था, जो फिजिकली या मेंटली हैंडीकैप है, उन सबको नाम दे दिया अनडिजायरेबल। क्या नाम दे दिया? अनडिजायरेबल। और सबको फिजिकली एलिमिनेट करने लग गया, पहले सेग्रीगेट किया फिर एलिमिनेट किया, मतलब पहले सारे लोगों को अलग अलग कर दिया, और फिर जो लोग उसको या जो रेसेस उसको अच्छी नहीं लगती थी उनको मारना स्टार्ट कर दिया। तो एक यूथेंसिया प्रोग्राम था, ज्यादा हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया तो हम लोगों ने हेलमत नाम के बच्चे की बात पढ़ी थी। तो हेलमत के जो फादर थे वो यूथेंसिया प्रोग्राम के क्या थे, इंचार्ज थे, जिसमें वो क्या करते थे, मेंटली और फिजिकली अनफिट लोगों को मार देते थे। मेंटली और फिजिकली अनफिट लोगों को क्या करते थे, मार देते थे। तो इन्होंने सिर्फ किसको मारा, सबसे पहले इन्होंने किसको मारा, ज्यूज को। सबसे पहले किसको मारा, ज्यूज को। उसके बाद इनका दूसरा टारगेट कौन थे, फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड। और फिर कौन थे इनके टारगेट्स, जिप्सीज और ब्लैक्स, जो कहाँ रहते थे, नाजी जर्मनी में रहते थे। तो इनको बहुत ज्यादा क्या करते थे, पीरियोडिक वायलेंस, बार 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 इन पे अत्याचार करते थे, और इवेंचुअली ये मर जाते थे। और किसको इन्होंने ऐसे एलिमिनेट किया था, तो रशियंस और पोल्स। ऐसा माना जाता है कि जब रशिया ने पोलैंड और रशिया पे थोड़ा कुछ राज, जर्मनी ने जब अटैक किया था पोलैंड और रशिया पे, तो वहां के जो लोग थे उनको स्लेव लेबर की तरह काम करवाया, मतलब इनसे इतना काम करवाते थे, इतना काम करवाते थे, और पैसे कुछ भी नहीं देते थे, और इतना काम करवाते थे, खाने पीने के भी नहीं देते थे, जिस वजह से वहां के लोग स्टार्वेशन, भुखमरी से और हार्डवर्क से ही क्या हो गए, मरने लग गए थे। लेकिन सबसे ज्यादा हालत किसकी खराब थी, ज्यूज की, यानी कि सबसे ज्यादा इन्होंने किसको मारा था, ज्यूज को। मुद्दा, इनको ज्यूज से नफरत क्यों थी, नाजीज न्यूज ज्यूज से नफरत क्यों करते थे? तो पहली बात, जो नाजीज थे या जो नॉर्मल कोई भी क्रिश्चियन होते हैं, उनको ज्यूस क्या नहीं होते, पसंद नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनको लगता है जो ज्यूस होते हैं वो किलर ऑफ क्राइस्ट होते हैं। क्या होते हैं? किलर ऑफ क्राइस्ट और यूजरर्स होते हैं, ठीक है ना? तो ज्यूस को बोला था कि आप लैंड ओन नहीं कर सकते। तो अब क्योंकि उनको लैंड खरीदने की इजाजत नहीं थी, तो वो बेसिकली ट्रेड और मनी लेंडिंग से क्या करते थे, सर्वाइव करते थे। उनको एक अलग से एरिया दे दिए थे जिनको क्या कहते थे, गेटोस कहते थे, और पीरियोडिक उनके अगेंस्ट वायलेंस ऑर्गेनाइज करते थे, उनको लैंड से निकाल देते थे, ठीक है? तो हिटलर के हिसाब से जो ड्यूज है उनका कोई सलूशन नहीं था। इनको आप क्या करो, ये कन्वर्ट नहीं होंगे, बदल नहीं सकते, इनको आप चेंज नहीं कर सकते, इनको मारना ही क्या है, सिर्फ एक सोल्यूशन है। तो इनका एक ही सोल्यूशन है क्या, टोटल एलिमिनेशन। तो 1933 से लेके 1938 तक नाजीज ने क्या करा, टेरराइज, टेरराइज मतलब बहुत डराया चमकाया, पॉपराइज मतलब इनको बहुत गरीब बना दिया, बहुत गरीब, इनके पास जो था सब इनसे क्या कर लिया, छीन लिया, सेग्रीगेट किया, और इतनी हालत इनकी खराब कर दी कि इनको फोर्स किया कि ये शहर कंट्री छोड़ के ही क्या करें, भाग जाए। तो अभी तक तो सब कुछ ठीक था कि ये कंट्री छोड़ के भाग रहे थे, लेकिन 1939 से 1945 अंडर द शेडो ऑफ वॉर, क्योंकि वॉर में जितने लोग मर ही रहे थे, तो इन्होंने क्या करा, जूस को कॉन्सेंट्रेट किया गैस चेम्बर्स में, और वहां पर इनको मारना भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है? बोलो, कोई परेशानी? ठीक है। अब जिनोसाइड एंड वॉर बिकेम टू साइड्स ऑफ दैट सेम कॉइन, ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बोलते हैं इलेबरेट करो। तो जिनोसाइड मतलब क्या होता है, एक तरह के रेस के लोगों को क्या करना, आप एक्चुअली जा के मार रहे हो फॉर नो गुड रीजन, उनकी गलती कुछ भी नहीं, इट्स जस्ट बिकॉज वो एक पर्टिकुलर रेस को बिलोंग करते हैं, इसलिए आप उनको क्या कर रहे हो, मार रहे हो। और तो ये तो आप कर ही रहे हो। एंड वॉर, दूसरी चीज क्या चल रही थी, 1939 से क्या चल रही थी, 1945 तक वॉर चल रही थी। तो जीनोसाइड एंड वॉर बिकेम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन का मतलब क्या हुआ, कि जहां वॉर में इतने लोग मर रहे थे, तो नाजीज को लगा कि अगर हम लोग ऐसे में जीनोसाइड भी कर देंगे तो लोगों को तो क्या लगेगा, ये लोग वॉर में ही मरे। तो बोला अब जहां आप क्या कर रहे हो, जहां वॉर चली रही है, तो आप इन लोगों को क्या करो, फिजिकली एलिमिनेट भी करते जाओ, लोगों को क्या लगेगा, इवेंचुअली ये सारे लोग कहां मरे थे, वॉर में लड़ लड़ के मर गए थे, ठीक है ना? पोल्स को, जब पोल्स का नॉर्थ मतलब पोलैंड का नॉर्थ वेस्ट पार्ट जर्मनी के पास आ गया था, तो पोल्स को क्या बोला, आप अपने घर छोड़ो, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ो,
छोड़ो, और ये घर और प्रॉपर्टी किसको दे दी, जर्मन्स को दे दी, और उनको ग्रुप बना के उनको लेके जाते थे अदर पार्ट ऑफ द सिटी, जिसको कहते थे जनरल गवर्नमेंट, है ना, और वहां पर इनको इवेंचुअली क्या करते थे, मार देते थे। जो पोलिश इंटेलिजेंसिया के लोग थे, जो ये सारी इंफॉर्मेशन निकाल रहे थे कि कैसे रशिया क्या कर, रशियंस कैसे नाजीज क्या कर रहे हैं, लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं, उनको भी मर्डर कर देते थे, ताकि क्या नहीं हो, किसी को पता नहीं चले कि क्या चल रहा था, ठीक है ना। पोलिश के जो बच्चे थे, जो आर्यन बच्चों जैसे दिखते थे, उनको उनकी मम्मियों से छीन के क्या करते थे, रेस एक्सपर्ट्स के पास देते थे। अगर रेस एक्सपर्ट्स बोलते थे हाँ ये आर्यन बच्चे हैं, तो ये किसको दे देते थे, ये जर्मन फैमिलीज को वो बच्चे दे देते थे, और अगर वो बोल देते थे कि आर्यन बच्चे नहीं है, तो उनको ऑर्फनेजेस में छोड़ देते थे, जहां वो इवेंचुअली मर जाते थे। आई बात समझ में? तो बहुत सारे गेटोज और गैस चैम्बर्स जो थे, वो बेसिकली कुछ भी नहीं था, उनका नाम था जनरल गवर्नमेंट। क्या था नाम, क्या दे के रखा था उसको, जनरल गवर्नमेंट, ताकि किसी को पता नहीं चले, बट बेसिकली वो क्या थे, ज्यूस के किलिंग सेंटर्स, जहां ज्यूस को क्या करा जाता था, मारा जाता था। ये फ्रेटकार है, मतलब फ्रेट समझते हो, जहाँ पे जिसमें आप सामान भरते हो, पर ये सामान भरने वाली कार में क्या ले जाते थे, ज्यूस को भर भर के ले जाते थे गैस चेम्बर्स। अब देखो 1933 से लेके 1939 का जो पीरियड था, उसमें एक्सक्लूजन होता था। एक्सक्लूजन मतलब क्या, आप जर्मन्स को ज्यूज से क्या कर रहे थे, अलग कर रहे थे, या सारे अनडिजायरेबल से क्या कर रहे थे, अलग कर रहे थे। कैसे अलग कर रहे थे, सबसे पहले आप जर्मन रिलेटेड ब्लड को बोलते जर्मन सिटीजनशिप एंजॉय करोगे, है ना। ज्यूज और जर्मन की शादी अलाउड नहीं थी, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन अलाउड नहीं थे, है ना। ज्यूज को नेशनल फ्लैग नहीं उड़ाने देते थे। ज्यूइश बिजनेस को बोलते हैं आप बायकॉट करो, उनको गवर्नमेंट जॉब से निकाल दिया गया था, और उनकी प्रॉपर्टी जबरदस्ती उनसे बिकवा दी थी या उनसे छीन ली थी। इसके अलावा जानबूझ के तोड़फोड़ करते थे इनके घर पे, और उनके घर को जला देते थे। आई बात समझ में? तो याद रखना, बिसाइड्स ज्यूइश प्रॉपर्टीज और वैंडलाइज हाउसेस अटैक्स एंड हाउसेस अटैक्ड लूटेड सिनेगोग्स बर्न एंड मेन अरेस्टेड इन अ पोग्रोम इन 1938, इसको बोलते हैं नाइट ऑफ द ब्रोकन ग्लास, ठीक है। ये जो साइन है, ये क्या बता रहा है कि नॉर्थ सी जो है, ये फ्री ऑफ ज्यूज है, यहाँ पर अब ज्यूज नहीं है, ठीक है। तो 1933 से लेके 1939 तक तो क्या चला, ये अलग अलग कर रहे थे ज्यूज और आर्यंस को, और इनको फोर्स कर दी कि जितना हो सके ज्यूज खुद ही देश छोड़कर भाग जाए। 1940 से इन्होंने क्या कर दिया, इनको मारना स्टार्ट कर दिया, और जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म नहीं हुई तब तक इनको मारते ही गए। आ रही है बात समझ में? तो बेसिकली ये देखो, ये पहले इनको पूरा ऐसा गरीब बना देते थे, इनसे सब कुछ ले लेते थे, ताकि इनके पास कुछ भी ना बचे, ठीक है। और 19 सितंबर 1941 से सारे ज्यूस को क्या करना था, एक येलो स्टार मार्क करना था, ये आइडेंटिटी इनके पासपोर्ट पे भी लगी हुई थी, उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स पे भी, उनके घरों पे भी, उनको अलग घरों में रखा जाता था, ठीक है ना। और यहाँ पर आप जहां पे भी ज्यूज रह रहे थे, वो सब जगह क्या बन गई थी, बहुत गरीबी और दुख वाली जगह बन गई थी, कि अगर आपको घेटो में आना है तो आपको अपना सारा पैसा सब कुछ देना पड़ेगा, तो घेटो में आपको सिर्फ भुखमरी, डिजीज, स्टार्वेशन और गंदगी ही मिलती थी, ठीक है ना। 1941 से लेके इनको क्या करा, मारना स्टार्ट कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाते थे, और वहीं पर इनको क्या करते थे, मार देते थे। आई बात समझ में? और इनके जो पोलैंड के अलावा इनके कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स कहाँ कहाँ पे थे, बेल्जेक, ऑस्विक्स, सोबीबर, ट्रेबलिंका, ये अलग अलग जगहों पर इनके क्या थे, गैस चेम्बर्स थे। और कोई बंदा इस जगह से भाग ना पाए, ये इतनी वेल सिक्योर थी कि इलेक्ट्रिफाइड थी, कि अगर आप भागने की कोशिश भी करोगे तो आपको करंट लग जाएगा, तो आप बचोगे नहीं। ये देखो, ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप है और बाहर से पूरा इलेक्ट्रिफाइड है, ठीक है। फाइनल सोल्यूशन मतलब मारना। यूथ इन नाजी जर्मनी। अब ये तो हमने देखा कि सेग्रीगेशन कैसे किया, अलग कैसे करा और मारा कैसे। अब हम देखेंगे बच्चों को वो लोग क्या सिखाते थे, लड़कों को चाहे लड़कियों को। तो हिटलर जो था, उनको उसको ना यूथ बहुत पसंद थे, उसको लगता था कि अगर आपको अच्छी नाजी सोसाइटी बनानी है, तो आपको बच्चों को बचपन से ही क्या करने पड़ेंगे, नाजी वाली आइडियोलॉजी और संस्कार
देने पड़ेंगे। इसलिए नाजी स्कूल में भी क्या कर रही थी, क्लेंजिंग और प्योरिफिकेशन हुआ था, साफ सफाई हुई थी। साफ सफाई से मतलब क्या है कि जो टीचर्स थे, जो ज्यूज थे या जिनको पॉलिटिकली करेक्ट नहीं माना जाता था, जो अनडिजायरेबल थे, उन सबको पहले क्या कर दिया, निकाल दिया। फिर बच्चों को अलग कर दिया, जर्मन्स और ज्यूज साथ नहीं बैठ सकते, एक साथ खेल नहीं सकते, ठीक है ना। और ज्यूज, फिजिकली हैंडीकैप, जिप्सीज को बाद में स्कूलों से ही निकाल दिया, और इवेंचुअली 1940s में इनको गैस चेम्बर्स में भेज दिया था। जो गुड जर्मन चिल्ड्रन थे, जो अच्छे जर्मन चिल्ड्रन थे, इनको क्या करते थे, नाजी स्कूलिंग की ट्रेनिंग देते थे। स्कूल टेक्स्ट बुक री राइट हुई थी, ताकि क्या करे, जो नाजीज के आइडिया है वो सारे लोगों को ये बता पाए कि इनके हिसाब से ज्यूज बुरे होते हैं, इनको मार देना चाहिए, इनसे नफरत करना ही क्या अच्छी बात है, बच्चों को देश के प्रति क्या रहना चाहिए, लॉयल रहना चाहिए, सबमिसिव होना चाहिए, हिटलर की पूजा करनी चाहिए, ठीक है। और स्पोर्ट्स भी कुछ इस तरीके से बनाए थे कि जो लड़के हों वो स्पेशली कैसे हो जाए, आयरन हार्टेड हो जाए, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ट वाले हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए और मैस्कुलिन हो जाए, ठीक है ना। तो ये तो कहाँ की बात हुई स्कूल की। जैसे ही बच्चे थोड़े से बड़े होते थे, जैसे 10 साल तक के हो जाते, तो उनको जंक बोल के जाना पड़ता था। 14, ये क्या थी, एक नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है ना। और 14 साल के बच्चों को हिटलर यूथ ज्वाइन करना पड़ता था, ठीक है, जहां इनको क्या सिखाया जाता था हिटलर यूथ में, कि आपको वॉर की पूजा करनी है, गुस्सा करना है, वायलेंस करना है, डेमोक्रेसी की बुराई करनी है, ज्यू से नफरत करनी है, कम्युनिस्ट जिप्सी से नफरत करनी है। फिर ये सब कुछ हो जाता था, तो ये 18 साल में लेबर ट्रेन सर्विस ज्वाइन करते थे, और उसके बाद ये कहाँ चले जाते थे, जर्मनी की आर्मी में चले जाते थे। आई बात समझ में? ये सिर्फ जनरली किसके लिए होता था, लड़कों के लिए होता था, ठीक है। वन मार्कर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, यूथ लीग ऑफ नाजीज कब बनी थी, 1922 में, जिसका नाम 4 साल बाद चेंज करके क्या रख दिया था, हिटलर यूथ। और इसके अलावा सारी की सारी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर दी थी, बैन कर दी थी। अगर एग्जाम में आता है कि जंक वोल क्या था, तो हम लोग बोलेंगे वो सारे नाजी यूथ ग्रुप जो कौन ज्वाइन करते थे, 14 साल के नीचे वाले बच्चे, ठीक है। ये दिखाया है कि जूश बच्चे हैं दोनों, ये फैमिली है, डिजायरेबल चिल्ड्रन, हिटलर वांटेड टू, ये हिटलर है और इसको ये ऐसे गोरे गोरे बच्चे अच्छे लगते थे, ये जर्मन ब्लडेड इन्फेंट है मदर, ना। फिर था, अब विमेन के लिए क्या करता, तो विमेन के लिए नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड था, यानी कि शुरू से लेके देखा जाए तो जर्मनी में कभी विमेन को क्या करी वैसे इंपॉर्टेंस नहीं दी जैसे ही लड़कों को दी, लेकिन विमेन को अलग तरह की इंपॉर्टेंस मिलती थी। हिटलर के हिसाब से जहां लड़कों को कैसा होना चाहिए था, एग्रेसिव मैस्कुलिन स्टील हार्ट होना चाहिए था, वैसे ही लड़कियों को क्या होना चाहिए था कि आप अच्छी मम्मी बनो, अच्छे आर्यन चिल्ड्रन पैदा करो, रेस की प्योरिटी मेंटेन करो, जूस से दूरी रखो, जूस पोल्स सबसे क्या करो, दूरी बनाए रखो, घर को देखो, बच्चों को नाजी वैल्यूज सिखाओ, क्योंकि आगे पीछे नाजी कल्चर और नाजी रेस, आर्यन कल्चर और आर्यन रेस, इसकी पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर थी, विमेन के ऊपर थी, ठीक है ना। तो जो विमेन क्या करती थी, रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन प्रोड्यूस करती थी, मतलब आर्यन बच्चे पैदा करती थी, उनको हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था, उनको दुकानों पर डिस्काउंट्स और कंसेशन मिलते थे, थिएटर टिकट्स और रेलवे फेयर में भी डिस्काउंट मिलते थे, और विमेन ज्यादा से ज्यादा अच्छे आर्यन बच्चे पैदा करे, इसलिए इनको ऑनर क्रॉसेस भी मिलते थे, यानी कि 4 अच्छे बच्चों पे ब्रॉन्ज क्रॉस, 6 अच्छे बच्चों पे सिल्वर क्रॉस और 8 अच्छे बच्चों पे गोल्ड क्रॉस। आई बात समझ में? ये तो क्या हुई, रिवॉर्ड हुई कि जो अच्छे बच्चे पैदा करें। और जो रशियन, जो जर्मन विमेन क्या करेगी, इस कोड ऑफ कंडक्ट से डिविएट होगी, उन्हें क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी, उनको पब्लिकली कंडेम किया जाएगा, पनिश किया जाएगा, जिन्होंने जूस पोल्स रशियंस के साथ क्या करे, रिलेशंस रखे, उनको पूरे टाउन में शेव्ड हेड, ब्लैकेंड फेसेस और प्लेकार्ड्स के अराउंड लगे जाएंगे, और प्लेकार्ड पे क्या लिखा होगा, आई हैव सलीड द ऑनर ऑफ द नेशन, कि मैंने अपने देश का क्या करा है, इज्जत खराब करी है। और उनके हस्बैंड्स और फैमिलीज को भी क्या करते थे, उनका सिविक ऑनर छीन लेते थे और उनको भी पनिशमेंट देते थे, ठीक है। तो ये तो क्या हो गई तुम्हारी नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। नेक्स्ट, अब ये सब कुछ जर्मनी में चल रहा था उस टाइम, दुनिया में क्या हो रहा था, तो जवाब है कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि जर्मनी में ये सब कुछ इतना गलत 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 लोगों के साथ हो रहा है। तो कैसे पता नहीं चल रहा था,
तो बोला कि जो नाजी टर्म्स यूज करते थे वो इतने सीक्रेटिव टर्म्स होते थे जिनको आपको सुन के कभी रियलाइज ही नहीं होगा कि इनका मतलब ये होता है, और बहुत डरावने शब्द थे। जैसे वो कभी भी किल या मर्डर वर्ड यूज नहीं करते थे, उनको अगर मास किलिंग करनी है यानी कि बहुत सारे लोगों को मारना है तो उसके लिए वर्ड कैसे यूज करते थे, इनका स्पेशल ट्रीटमेंट करना है, फाइनल सोल्यूशन जूस, अगर उन्होंने बोला ना फाइनल सोल्यूशन मतलब किसको मारना है, जूस को मारना है, अगर उन्होंने बोला यूथेंसिया इसका मतलब किसको मारना है, डिसेबल्ड को मारना है, अगर उन्होंने बोला सिलेक्शन और डिसइन्फेक्शन मतलब लोगों को अलग अलग करना है, अगर उन्होंने बोला इवैक्यूएशन मतलब लोगों को यहाँ से खाली करके कहाँ करना है, गैस चेम्बर्स में भेजना है, अच्छा जहाँ गैस चेम्बर्स थे वहां पर भी नाम क्या दिया हुआ था, डिसइन्फेक्शन एरियाज, और वो कैसे दिखते थे, वॉशरूम जैसे दिखते थे जहाँ पे दो छूट मूट के शावर हेड्स लगे हुए थे। आई बात समझ में? तो सो दैट ये जो नाजी किलिंग ऑपरेशन है इसके बारे में किसी को कुछ भी पता ना चले, ठीक है। नाजीज के जो आइडियाज थे वो भी वो क्या करते थे कि जूस बुरे हैं, जिप्सीज बुरे हैं, ये भी ये फैलाते थे किस तरह से, इमेजेस के थ्रू, रेडियोस के थ्रू, स्लोगन्स के थ्रू, लीफलेट के थ्रू, आई बात समझ में, पोस्टर्स में दिखाते थे कि जो नवंबर क्रिमिनल्स हैं, जो सोशलिस्ट हैं, जो डेमोक्रेट्स हैं, ये सब क्या है, जर्मनी के दुश्मन हैं, ये बहुत वीक हैं, ये जर्मनी का भला कभी नहीं कर पाएंगे, प्रोपेगेंडा फिल्म बनती जिससे लोग क्या करें, ज्यू से नफरत करें। ऐसी एक मूवी थी जिसका नाम था इटर्नल ज्यू, जिसमें दिखाया था कि जो ज्यूज हैं वो कितने बुरे होते हैं, और कैसे दिखाए थे ज्यूज, उनकी फ्लोइंग बियर्ड्स है, कफ्तान पहने हुए हैं, जबकि नॉर्मली नॉर्मल एक जर्मन ज्यू को आउटवर्ड अपेरेंस से सेपरेट मतलब समझना बिल्कुल डिफिकल्ट था, उनको बोलते थे वो वर्मिंस हैं, रेट्स हैं, पेस्ट हैं, चूहे वूहे हैं, ठीक है। तो नाजीज्म को ये लोग क्या करते थे, इनके दिल में बसा रहे थे, क्या कर रहे थे, इनके दिल में बसा रहे थे कि आप नींद में भी उठो तो आपको लगेगा लोग हमसे क्या करते हैं, नफरत करते हैं, या इन लोगों से क्या करनी है, नफरत करनी है, बोलो कोई परेशानी। चलो ठीक है, तो ये कहानी कहाँ की थी, यहाँ की थी, ये फिगर देखो, ये फिगर में क्या है, एक नाजी पोस्टर है बेसिकली, जो ज्यूस पे अटैक किया है कि ज्यूस जो होते हैं ना इतने लालची होते हैं, इनको सिर्फ पैसे से मतलब होता है और किसी चीजों से मतलब नहीं होता, तो इनका भगवान ही क्या होता है, पैसा होता है, ऐसे दिखाया गया, ठीक है ना। अब ये तो सब क्या हुआ, ये सब हो गया, अब कहानी क्या है कि कॉमन पीपल ने नाजीज्म के अगेंस्ट कैसे रिएक्ट किया। तो हम लोग बोलते हैं कि कुछ लोग तो सही में नाजीज की आई से दुनिया को देखते थे कि हाँ सच में जो हिटलर बोल रहा है वो क्या है, सही है, और उनको लगता था कि नाजीज्म अगर पावर में रहा तो हमारे देश में क्या आ जाएगी, प्रोस्पेरिटी आ जाएगी। वो तो एक्चुअली क्या करते थे कि ज्यूज से नफरत करते थे, अगर उनको लगता था उनके घर के आसपास क्या रह रहे हैं, ज्यूज रह रहे हैं, तो उनके हाउसेस भी क्या करके रखते थे, मार्क करते रहते थे ताकि जो नाजी जैसे देखेंगे कि इस हाउस में कौन रह रहे हैं, ज्यूज रह रहे हैं, तो उनको पकड़कर ले जाएंगे। लेकिन हर जर्मन नाजी नहीं था, बहुत लोगों ने नाजीज्म को अपोज भी किया और मरे भी, पुलिस ने इनको मारा, ठीक है, लेकिन जो मैस मेजर पॉपुलेशन थी जर्मनी की, लार्ज मेजोरिटी, वो सिर्फ क्या थे, पैसिव ऑनलुकर्स थे ना, पैथेटिक विटनेसेस थे, मतलब कि वो देख रहे थे, उनको समझ में भी आ रहा था ये सब गलत हो रहा है, पर उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोलें, कुछ करें या फिर प्रोटेस्ट करें, आई बात समझ में? तो उनको लगता था वो ऐसे करते थे कि हमने कुछ देखा ही नहीं है। पैस्टन इमोलर एक रेजिस्टेंस फाइटर था, जिसको दिख रहा था कि यार ये सब हो रहा है, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है, कोई प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहा है, तो ऐसे में जब इन लोग के साथ कुछ होगा तब कौन आएगा, इसलिए इसने इस तरह की क्या करी थी, पोम भी लिखी थी कि फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट, ये वाली पोम लिखी थी। अब ये जो चीज है ये तो सारे जर्मन्स के लिए, ज्यूस को कैसा लग रहा था नाजी में जो ये सब एक्चुअली सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे, तो शैरोले बेरेंट नाम याद कर लेना, इसने एक डायरी मेंटेन करी थी, ठीक है, और बाद में ये बुक के नाम से पब्लिश हुई थी जिसका नाम क्या था, थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स, ये वन मार्कर्स में आ सकता है,
तो इन्होंने बताया कि ज्यूज जो थे उनको खुद को लगने लग गया था कि जो नाजीज उनके बारे में बोलते हैं वो सब क्या है, सच है। उनकी बड़ी बड़ी नाक है, उनके काले बाल हैं, उनके आईज ऐसी है, उनकी बॉडी मूवमेंट्स बहुत खराब हैं, और ये जो सारी चीजें हैं ये इनको सपनों में भी क्या करती थी, परेशान करती थी। तो बोलते हैं ज्यूज डाइड मेनी डेथ्स इवन बिफोर दे रीच द गेस्टमर, मतलब उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उनकी एग्जिस्टेंस को वो क्वेश्चन करने लगे थे कि हम जिंदा हैं क्यों जब हम इतने बुरे हैं, हमें तो मर जाना चाहिए। तो गैस चेंबर बोर्ड पहुंचने के पहले ही वो क्या होता था, बहुत बार मर जाते थे, मतलब अंदर ही अंदर इतने घुट गए थे बोलू। अब देखा जाए तो नाजी ने मीडिया बहुत केयरफुली यूज करा था, और क्योंकि नाजीज ने मीडिया बहुत केयरफुली यूज किया तो कभी किसी को पता नहीं चलने वाला था क्या कि यहाँ पर क्या हुआ, ऐसा कौन सोच रहा था, नाजीज सोच रहे थे। ठीक है, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो जर्मनी की हालत खराब थी, क्योंकि वो फिर से क्या हुआ था, एक वर्ल्ड वॉर में हार गए थे, तो वो लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्या थे, दुखी थे। लेकिन 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 जो ज्यूज थे इस टाइम, ये लोग क्या चाहते थे, ये चाहते थे दुनिया में हर किसी को पता चले कि हमारे साथ क्या क्या गलत हुआ है, हमने कितना सफर किया है, और नाजी किलिंग ऑपरेशंस को क्या कहते हैं हम लोग, होलोकॉस्ट। तो होलोकॉस्ट में क्या हुआ था, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट वाज होलोकॉस्ट, तो जो नाजी किलिंग ऑपरेशन थे उनको क्या कहते हैं, होलोकॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि एक गेटो इनहेबिटेंट ने बोला कि एक बार वॉर खत्म हो जाए तो मेरे को सिर्फ आधा घंटा और जिंदा रहना है, क्योंकि इसकी इच्छा थी कि ये दुनिया को पता है क्या कि इन लोगों के साथ हिटलर के अंडर नाजीज ने क्या क्या गलत किया है। उनकी जो स्पिरिट थी कि हम दुनिया को बताएंगे हमारे साथ क्या क्या गलत हुआ है, ये किस तरीके से दिख रही थी, उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व कर रखे थे गेटो कैंप्स में, और डायरीज लिखी थी, नोटबुक्स लिखी थी, आर्चीव्स क्रिएट करे थे ताकि आने वाले वर्ल्ड को पता चले क्या कि क्या क्या गलत हुआ था इन लोगों के साथ। और उल्टा नाजीज किस बात में डर रहे थे, जब उन्हें समझ में आ गया कि हम लोग ऑलमोस्ट ये वॉर हार जाएंगे, तो उन्होंने अपने फंक्शनरीज को पेट्रोल बांटा था कि वो सारे एविडेंसेस जो उनके ऑफिस में है कि इसको अब मारना है, इसको अब मारना है, इस तरह के ऑर्डर्स दिए हुए, ये सारे एविडेंसेस इनको क्या करने के लिए कहा, जला देने के लिए कहा, ताकि किसी को कभी भी पता ना चले कि यहाँ पर क्या हुआ। लेकिन हिस्ट्री है, होलोकॉस्ट जो है उनकी मेमोरी भी है जिनके साथ गलत हुआ था, ठीक है, उनपे फिक्शन भी बन चुकी है, डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी है, पोएट्री भी बन चुकी है, मेमोरियल्स भी बन चुके हैं, म्यूजियम में भी अब हर जगह पर ये सारी चीजें दिखती है। तो ये सारी क्या है, ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट मतलब क्या होता है, थैंकिंग है कि जिन लोगों ने ये सब कुछ झेला उनको आप याद रखो, और एक उन लोगों के लिए रिमाइंडर है कि आप याद रखो कि जिन लोगों ने इनके साथ गलत किया है आपके साथ भी, जैसे जर्मनी हार गया, नाजीज मर गए, नाजीज को पनिशमेंट मिली, अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपको भी ऐसी पनिशमेंट मिलेगी। और उन लोगों के लिए वार्निंग भी है जो लोग साइलेंस में सब कुछ देखते रह गए और कुछ बोले नहीं, कि कभी आपके साथ ऐसा कुछ गलत हो जाएगा तो अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ नहीं बोलोगे तो सोसाइटी भी आपके लिए कुछ भी नहीं बोलेगी। विद दिस दिस चैप्टर इज ओवर।